हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि क्यूबिक सिस्टम्स फर्दर तीन टाइप में क्लासिफाई होते हैं और ये तीनों टाइप की क्लासिफिकेशन जो है उसकी एटम्स या स्पीशीज की अरेंजमेंट के हिसाब से की जाती है। तो मैं राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors.com इस एपिसोड में आपके साथ कंट्रीब्यूशंस, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, रेडियस और पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। वेलकम बैक। तो जैसा हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स में देखा कि क्यूबिक सिस्टम्स की दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो ऐसी और कौन सी 6 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और यदि वो हमें पता है तो हम क्रिस्टल सिस्टम्स, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। तो सीखना चाहेंगे तो चले क्लास में और देखें कि क्यूबिक सिस्टम्स के साथ क्या प्रॉपर्टीज एसोसिएट करती हैं और किस तरह से हम उनकी क्लासिफिकेशन करके उनकी डिफरेंट फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं जो हमारे को आगे चलकर हेल्प करेंगे। तो यदि हमें क्यूबिक स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना हो तो बहुत जरूरी है उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उन्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी क्यूबिक स्ट्रक्चर की मेन प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है। और मैं आपको इस एपिसोड में सबसे पहले वो प्रॉपर्टी से ही इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये फ्रेज आपको जैसे ही क्वेश्चन में दिखे आपको एकदम से ये जो प्रॉपर्टीज हम अब डिस्कस कर रहे हैं ये एकदम से आपके माइंड में पॉपअप कर जानी चाहिए, क्योंकि ये यदि आपके माइंड में पॉपअप कर गई तो एकदम से आप उस क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे। और जैसे ही आप उस क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन कर लेंगे तो ये 100% है कि आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से क्या प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड हैं। तो जैसे हमने ये एक क्यूबिक, मैंने ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया है, अब हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज, जो दो प्रॉपर्टीज पहले ही देख ली थी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है, या जैसे ये एक्स एक्सिस की साइड है, ये वाई एक्सिस की साइड है और ये जेड एक्सिस की साइड है, तो ये तीनों जो वर्टाइसिस हैं, ये एक्सिस हैं या जो एजेस हैं वो तीनों इक्वल हैं, तो क्यूब की एक प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वैसे ही बाकी की सारी साइड्स भी इक्वल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज, तो अब यहाँ पे जो ये वर्टाइसेस के बीच में एंगल बन रहे हैं ये एंगल भी सारे 90 के हैं, और ये दो प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं पहले। जो मेरा लास्ट एपिसोड था मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे, तो उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के साथ मैंने ये प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। और यदि आप उन प्रॉपर्टीज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हैं, तो इस समय जो कार्ड डिस्प्ले हो रहा है उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी वो है कि यदि हम क्यूबिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो हमेशा उसमें क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 कॉर्नर्स होंगे। तो ये इसके 8 कॉर्नर्स हो गए, ये फर्स्ट कॉर्नर हो गया, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड 8th, तो ये 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे। तो जब भी हम क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलेंगे तो उसमें 8 कॉर्नर्स होने चाहिए। और वैसे ही अब देखिए 6 फेसेस होने चाहिए, तो ये एक फेस है, ये सेकेंड फेस है, ये थर्ड फेस है, ये पीछे फोर्थ फेस हो जाएगा, ये फिफ्थ फेस है पीछे वाला, और ये नीचे वाला 6th फेस हो जाएगा। तो ये टोटल 6 फेसेस होंगे क्यूब में। उसके बाद जो एजेस हैं, एजेस जो हो जाएंगे वो 12 एजेस हो जाएंगे, तो ये फर्स्ट एज हो गया, ये सेकेंड एज हो गया, ये थर्ड एज हो गया, ये फोर्थ एज हो गया, ये फिफ्थ एज हो गया, ये 6th एज हो गया, ये 7th एज हो गया, ये 8th, वैसे ये 9th, 10th, 11th एंड 12th, तो 12 एजेस हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं सेंटर्स, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर में 3 सेंटर्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो हो जाएगा दैट इज फेस सेंटर, मीन्स फेस के ऊपर सेंटर, मतलब यहाँ पे फेस पे जैसे जहाँ मैंने अभी ये मार्कर रखा है ये जो हो जाएगा फेस सेंटर हो गया इस फेस का, वैसे यहाँ अब जो मार्कर रखा है ये इस फेस का सेंटर हो जाएगा, वैसे अब यहाँ मार्कर रखा है इस तरह से फेस है, तो क्योंकि 6 फेसेस है तो इससे 6 सेंटर्स हो जाएंगे। वैसे ही अब क्योंकि क्या है जो 12 एजेस है हमारे पास, तो यहाँ जहाँ मैंने मार्कर रखा है ये एज का सेंटर है, वैसे ही अब जहाँ मार्कर रखा है ये एज का सेंटर है, तो इस तरह से 12 एजेस है, तो 12 एजेस के साथ 12 एज सेंटर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा बॉडी सेंटर, तो ये क्यूब में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि क्यूब जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बॉडी होगी और उसका एक सेंटर बनेगा। तो ये जो जहाँ पे ये मतलब बिल्कुल क्यूब के बीच में जहाँ पे ये मैंने मार्कर रखा है क्यूब के बीच में एग्जैक्टली इन द सेंटर, तो वो उसका बॉडी सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सेंटर्स एग्जिस्ट करेंगे।
नेक्स्ट डायगनल्स हो जाएंगे, तो डायगनल्स जो है 12 फेस डायगनल्स हो जाएंगे। तो अब फेस डायगनल 12 कैसे हो जाएंगे कि यदि हम देखें तो सपोज ये जो है एक फेस डायगनल हो गया और वैसे ये दूसरा फेस डायगनल हो गया, तो एक फेस पे क्या है, दो डायगनल एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास 6 फेसेस है, बट ऑब्वियसली उसमें 12 डायगनल्स हो जाएंगे। तो वैसे अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज बॉडी डायगनल्स जो है 4 हो जाएंगे। अब बॉडी डायगनल्स किस तरीके से 4 हो जाएंगे कि ये एक हम कॉर्नर ले लें, इस कॉर्नर से जब हम उसका ऑपोजिट कॉर्नर को कनेक्ट करेंगे थ्रू बॉडी तो ये एक बॉडी डायगनल हो जाएगा, वैसे यहाँ से हम दूसरा कॉर्नर को कनेक्ट करेंगे तो ये सेकेंड बॉडी डायगनल हो गया, और इसी तरीके से बाकी के कॉर्नर से भी हम उसके ऑपोजिट कॉर्नर को कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास 4 बॉडी डायगनल्स हो जाएंगे। अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इन सारी जगह एटम्स प्रेजेंट होंगे, पर ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं एग्जिस्ट कर रही हैं। अब क्या होगा कि आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन होगा कि इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर एटम्स आर प्रेजेंट एट से ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, तो अब हम उसको ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को देखेंगे कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। तो हमें पता है 8 कॉर्नर्स हैं और उसके हिसाब से ऑल्टरनेट कॉर्नर्स निकालेंगे। तो वैसे ही हम अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जैसे अब हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि इन अ क्यूबिक लैटिस एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, तो हमारे को ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। अब सपोज ये एटम है, ये मैंने इस कॉर्नर पे प्लेस कर दिया, अब इस कॉर्नर पे मैंने एटम प्लेस कर दिया, तो अब क्या होगा कि इसका और ये जो है एडजेसेंट कॉर्नर है तो यहाँ पे एटम नहीं होगा, ये इसका एडजेसेंट कॉर्नर है यहाँ पे एटम नहीं होगा, और ये इसका एडजेसेंट कॉर्नर है तो यहाँ पे भी एटम नहीं होगा, तो ये 3 प्लेसेस पे एटम नहीं होगा। तो जो एटम ऑफ पॉसिबल हो सकता है वो इस प्लेस पे हो सकता है, तो ये इसका ऑल्टरनेट कॉर्नर हो गया, तो ये ऑल्टरनेट कॉर्नर हो गया इसका, तो 2 एटम्स ऐसे हो जाएंगे। क्योंकि अब इस प्लेस पे एटम नहीं हो सकता तो हम एटम को प्लेस करते हैं कि एटम यहाँ पे है, अब यहाँ पे यदि मैंने एटम प्लेस कर दिया तो इस कॉर्नर पे नहीं हो सकता, इस कॉर्नर पे नहीं हो सकता, और वैसे ही इस कॉर्नर पे भी नहीं हो सकता। तो अब जो फोर्थ एटम हो जाएगा वो सिर्फ इस कॉर्नर पे प्लेस होगा। तो यदि हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, तो देयर वुड बी ओनली 4 एटम्स। सो 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंडीशन कि जब हमें ऑल्टरनेट कॉर्नर्स बोला होगा तो एटम्स जो हैं वो सिर्फ 4 एग्जिस्ट करेंगे इन अ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ 4 एटम्स एग्जिस्ट करेंगे। वैसे एक और क्वेश्चन देखें, अब हमें यहाँ क्या कंडीशन दी हुई है, हमें यहाँ पे कंडीशन दी है कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें एटम्स ऑल्टरनेट एजेस पे प्रेजेंट है और ऑल्टरनेट फेसेस पे प्रेजेंट है। तो पहले हम एजेस पे देखते हैं। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे ये एटम इस एज पे प्लेस कर देता हूँ, अभी मैंने बताया था कि ये एज होता है, तो अब इसका ऑल्टरनेट एज हमने देखना है, तो मींस इस एज पे नहीं होगा क्योंकि ये इसका एडजेसेंट है, ये इसके साथ है, सेम एज है, और ये चार एजेस पे नहीं हो सकता। तो जब ऑल्टरनेट एज होगा तो उसके ऑपोजिट पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट होगा। वैसे ही अब क्योंकि यहाँ और इस पे नहीं है तो हम इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, या इधर प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली इसको हम यहाँ पे इधर भी नहीं होगा और अब इधर भी नहीं होगा, तो जो फोर्थ एटम हो जाएगा तो फोर्थ एटम अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 एटम्स ऑल्टरनेट एजेस पे एग्जिस्ट करेंगे। और उसी तरीके से यदि हमको ऑल्टरनेट फेसेस दिए हुए हैं तो ऑल्टरनेट फेसेस में क्या हो जाएगा कि हमारे को सपोज इस फेस पे हमने एटम प्लेस किया है, अब इस फेस पे एटम प्लेस किया है तो इस फेस पे नहीं हो सकता क्योंकि इसका एडजेसेंट है, इस पे नहीं हो सकता, ये जो पीछे फेस है इस पे नहीं हो सकता, और ये बॉटम में फेस है इस पे नहीं हो सकता, तो जो सेकेंड एटम जो एग्जिस्ट करेगा अब वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट फेस पे एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से 6 एटम्स एग्जिस्ट करेंगे यदि आपको कंडीशन दी हुई हो कि एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट एजेस एंड ऑल्टरनेट फेसेस, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हमारे को यहाँ पे बताया हुआ है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट कॉर्नर्स एंड ऑल्टरनेट फेसेस। तो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास 4 एटम्स होते हैं ऑल्टरनेट कॉर्नर्स में,
तो हम चार एटम्स ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्लेस कर दें तो हमारे पास ऑल्टरनेट कॉर्नर्स में चार एटम्स हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है कि ऑल्टरनेट एज ऑल्टरनेट फेसिस पे कितने एटम्स होंगे। तो अभी हमने देखा कि ऑल्टरनेट फेसिस पे सिर्फ दो एटम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे एटम एक आ जाएगा और दूसरा एटम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट आ जाएगी कि यदि आपको दिया हो कि एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट कॉर्नर्स एंड ऑल्टरनेट फेसिस। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि यदि हमें वो बेसिक प्रॉपर्टीज पता हो तो उससे हम बड़े आसानी से क्वेश्चंस की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि एटम्स एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होंगे। और यदि हमने ये इंटरप्रिटेशन कर ली तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आता। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स, क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल्स जो है, हम तीन टाइप्स के क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो यूनिट सेल है दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल या इसको हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में बेसिकली कॉर्नर्स पे ही सिर्फ एटम प्रेजेंट होंगे। तो यदि हमारे पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसका मतलब सिंपल है कि हमारे पास सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे और कहीं भी एटम नहीं होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेकेंड जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसमें जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसलिए कॉर्नर्स पे तो एटम होने चाहिए, उसके साथ फेस सेंटर्स पे भी होंगे। मीन्स हमें यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई कि क्यूबिक स्ट्रक्चर है, कॉर्नर पे तो एटम है ही, उसके साथ हमारे को फेस के सेंटर पे भी एटम है। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगी। जो ग्रीन वाले एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे हैं, जो ग्रीन वाले एटम्स सारे कॉर्नर्स पे हैं, और ये जो मेजेंटा कलर के एटम्स हैं ये सब फेस के सेंटर पे। तो इस तरीके से हमारे पास एटम्स आ जाएंगे और ये जो क्यूबिक लैटिस बन जाएगा दिस इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब हम थर्ड स्ट्रक्चर देखें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसमें जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा, तो ये कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है वो, और ये जो मेजेंटा कलर का एटम है ये बॉडी के सेंटर में है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन तरह के यूनिट सेल हो जाएंगे। अब हम इनके देखते हैं, तीनों तरह के यूनिट सेल में हम जो फॉर्मूलाज कैलकुलेट करते हैं और वो आगे हमें जिस तरीके से हम उनको अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं इसके किस तरह से इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो यदि हम 3D में देखें तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये जो है इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी और इस तरह से ये जो एक के ऊपर एक जैसे ये एटम्स प्रेजेंट है और ये यूनिट सेल इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब ये जो एटम्स हैं इसमें मैं यूनिट सेल बनाऊं तो जैसे ये हो जाएगा कि यूनिट सेल जो सिंपल यूनिट सेल आ जाएगा इस तरीके से हो जाएगा कि ये एटम्स जो हैं इसके इस तरह से एटम का जो सेंटर होगा वो क्यूब का कॉर्नर बन रहा होगा और इस तरह से हम इसको एटम्स को प्लेस कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड करें तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब हम इसे देखते हैं कि 3D में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। तो हम 3D में देखें तो हमारे को सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाएगा कि ये जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा और इस तरह से इसको हम प्लेस कर सकते हैं। अब मैं इसको स्पेस फिलिंग में बनाऊं तो स्पेस फिलिंग में यदि मैं स्ट्रक्चर को बनाऊं तो ये स्पेस फिलिंग में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जैसे अभी मैं आपको बता रहा था तो वो ऐसे आ जाएगा कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है हमको इस तरह से स्पेस फिलिंग में दिखेगा। पर जब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको यूजुअली एटम्स को जो है उसको सिंपल इस तरह से बताते हैं कि एटम्स जो हैं होंगे वो इस तरह से हो जाएंगे। अब जैसे मैंने इसमें बताया कि एटम का जो सेंटर है वो क्यूब का कॉर्नर बन रहा है, तो पूरा का पूरा एटम क्यूब के अंदर नहीं आएगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो हम जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देख रहे थे उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो हो जाएंगे कॉर्नर्स पे एटम्स हो जाएंगे और ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम देखते हैं क्योंकि ये एटम पूरा का पूरा कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर नहीं आ रहा है। तो अब उसका कितना पार्ट, ये एक एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है वो हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको डिसाइड करेंगे कि कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो जैसे अब ये यूनिट सेल है, अब हम इसको एक्सटेंड करके देखते हैं। इसको मैं यूनिट सेल एक्सटेंड करता हूं तो अब ये मैंने दो यूनिट सेल्स में क्रिएट कर लिया। ये जो है ये अब मैं इस एटम को स्टडी कर रहा हूं जिसको मैंने हाईलाइट किया है और ये मैंने अब ये इसके ऊपर इस एक यूनिट सेल के ऊपर दूसरा यूनिट सेल होगा तो ये जो एटम है दो में डिवाइड हो रहा है पर अभी भी ये पूरा कंज्यूम नहीं हुआ। अब मैंने इसको फोर यूनिट सेल में, ये जो है फोर यूनिट सेल्स में कन्वर्ट कर दिया कि फोर यूनिट सेल के अंदर तो ये क्या हो रहा है कि उसका कुछ पार्ट अब डिवाइड होना शुरू हो गया और पूरा अभी तक भी कंज्यूम नहीं हुआ है। और अब हम इसे देखें तो ये जो एटम है जिसकी मैं बात कर रहा था अब ये टोटल 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड हो रहा है,
यदि हम देखें तो इसमें जो है 8 यूनिट सेल्स हो गए, तो क्योंकि ये एटम जो 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड हो रहा है, इसी के लिए एक एटम जो है वो एक यूनिट सेल में 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करे। तो एक एटम जो है 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्योंकि एक एटम जो है 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम इसकी कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम इज 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो हो जाएगी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगी कि अब क्योंकि 1/8 एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हमने देखा है कि यूनिट सेल में टोटल 8 एटम्स हैं, और अभी हमने ये डिस्कस किया था कि ये 8 एटम सारे कॉर्नर पे हैं, तो उसके हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन जो आ जाएगी 1 एटम, मीन्स जितना एक एटम का वॉल्यूम है उतना ही टोटल 8 एटम्स मिलकर के अपना वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अब इन एटम्स को मैंने क्या किया है कि साइड से कट कर दिया, और जितना यूनिट सेल के अंदर है फेस के ऊपर से उसको फेस के पैरेलल बना दिया, या फेस के एग्जैक्ट उस पर ले आया, तो ये जो आ गया इस तरह से हमारे पास आ गई, तो ये अंदर जो एटम क्यूब के अंदर रह गया ये इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये जो है 1/8 है, और 1/8 के हिसाब से क्योंकि ये सारे एटम्स 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास 1 एटम पर यूनिट सेल आ रही है। तो अब नेक्स्ट आगे देखें, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसमें डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम क्या हो जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम जो हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम है, या इसको मैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बना सकता हूं, ये भी नेबरिंग एटम हो सकता है, या यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बना सकता हूं, ये भी नेबरिंग एटम हो सकता है। तो तीनों एटम्स का जो है, क्योंकि ये एजेस बन रहे हैं, और हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर में पहले ही फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, और दिस साइड को मैं हम बोल रहे हैं ए एज लेंथ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज इक्वल टू ए, तो ए के इक्वल हो जाएगा, और रेडियस जो होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, सो इट इज ए बाई टू, क्योंकि इसका यदि मैं हाफ कर दूं, इस डिस्टेंस जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ कर दें यहां से, तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगा दिस इज रेडियस ऑफ एन एटम, तो इस तरीके से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो ये रेडियस आ जाएगा, या मैं इसको लिख सकता हूं एज लेंथ इज इक्वल टू 2 times r। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक में एटम्स जुड़े हुए हैं, और ये टोटल डिस्टेंस है उसका, तो इसका इस टोटल डिस्टेंस का यदि मैं हाफ कर दूंगा तो वो मेरे लिए रेडियस आ जाएगा, तो ये तो इसलिए 2 times r, दिस इज r एंड दिस इज r, तो ये 2 times r वुड बी इक्वल टू a, तो ये एज लेंथ के इक्वल आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखें कि इसमें परसेंटेज पैकिंग कैसे निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज पैकिंग का फॉर्मूला हो जाएगा कि इट इज कंट्रीब्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1 एटम की कंट्रीब्यूशन है, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³, और जो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज a³ × 100। अब हम इसमें इस फॉर्मूला में r या a को एलिमिनेट आउट कर सकते हैं, तो जैसे हमने पीछे फॉर्मूला डिराइव किया a इज इक्वल टू 2r, तो ये हो जाएगा a³ = 8r³, और ये 8r³ की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ और उसके बाद इसको सॉल्व करूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 52.3%। मींस हमने ये जो भी स्ट्रक्चर देखा था इसमें ये जो है फिल्ड वॉल्यूम है, दिस इज 52.3% वॉल्यूम जो है फिल्ड है इसमें, और जो ये वॉइड है, जो ये एम्प्टी स्पेस है, दिस इज वॉइड एंड दिस वॉइड इज 47.7%। तो इस तरीके से ये यूनिट सेल हो जाएगा, या सिंपल यूनिट सेल है जिसमें 52.3% वॉल्यूम जो है वो फिल्ड है, और 47.7% वॉल्यूम जो है उसकी एम्प्टी है या वॉइड है उसके अंदर। अब नेक्स्ट हम आगे देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, जैसे हमने पहले ही देखा था कि बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा, तो यदि उसको 3D, 3 डायमेंशन में देखें तो 3 डायमेंशन में हमारे को इस तरीके से दिखेगा कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, और उसकी यदि हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस तरह से आ जाएगा कि बॉडी सेंटर में जो है कॉर्नर्स पे 8 एटम है और बॉडी के सेंटर में 1 एटम है। तो अब हम इसको यदि 3D में देखें कि ये बॉडी BCC स्ट्रक्चर हमें किस तरह से दिखेगा, तो ये इस तरह से हमें BCC स्ट्रक्चर दिखेगा कि कॉर्नर में एटम्स हैं और जो है बॉडी के सेंटर में एटम है, तो ये आ जाएगा और इस तरीके से ये इसका हो जाएगा। जब हम स्पेस फिलिंग में इसको देखें तो स्पेस फिलिंग में हमें ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा कि
कॉर्नर पे एटम है और बॉडी के सेंटर में एटम है। तो अब हम इसमें देखते हैं, अब इसमें आप ध्यान से देखें तो दोनों जो कॉर्नर के एटम हैं आपस में टच नहीं कर रहे हैं, पर जो कॉर्नर का और बॉडी सेंटर का एटम है वो आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हैं। तो वो आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हैं, पर जो है आपस में कॉर्नर पे जो एज पे एटम है प्रेजेंट, वो एज पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसी को ही हम अब डिस्कस करते हैं। तो यदि हम इसमें अब कंट्रीब्यूशन देखें, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, ड्यू टू कॉर्नर्स, ड्यू टू कॉर्नर्स वन हो जाएगी, हम पहले ही देख चुके हुए हैं, और ड्यू टू बॉडी सेंटर वुड बी इक्वल टू वन, क्योंकि ये जो बॉडी के सेंटर में जो एटम है, ये वाले एटम की मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर ही है, तो इसीलिए अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, टू एटम्स पर यूनिट सेल। तो टू एटम्स पर यूनिट सेल की टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। अब हम इसमें नेक्स्ट देखें आगे कि डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम कैसे आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम हमें निकालना है इसमें, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम क्या हो जाएगा, कि अभी मैंने जो आपको बताया कि कॉर्नर के एटम्स उतने क्लोज नहीं है जितने हमारा सेंटर वाला एटम है, तो हम सेंटर वाले एटम के और कॉर्नर वाले एटम के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस जो बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए पहले हमारे को क्या चाहिए होगा, फेस डायगोनल का डिस्टेंस चाहिए होगा, क्योंकि हम ये ट्रायंगल ले लेंगे पहले, इसमें ये ट्रायंगल ले लें ए बी सी, इस ट्रायंगल में यदि ए सी कैलकुलेट करें तो ए सी आ जाएगा रूट टू ए आ जाएगा, क्योंकि इफ दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज ए, तो पाइथागोरस यहाँ पे लगाएं तो उसके हिसाब से ये जो आ जाएगा रूट टू ए आ जाएगा। अब ये रूट टू ए हो गया, तो अब ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी डी ले रहे हैं ट्रायंगल, तो ये था इन ट्रायंगल ए बी सी रूट टू ए आ गया, और इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में हमें ए डी निकालना है, ए डी वुड बी इक्वल टू रूट थ्री ए, रूट थ्री ए आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास रूट थ्री ए आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, जो बॉडी डायगनल आ जाएगा। अब इस बॉडी डायगनल को ए डी जो, ए डी जो है टोटल बॉडी डायगनल है, पर हमने सेंटर तक सिर्फ इतना हाफ ऑफ बॉडी डायगनल का डिस्टेंस देखना है, क्योंकि हमें एटम का, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम क्या हो जाएगा, रूट थ्री ए बाय टू आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम आ जाएगा इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और जैसे मैंने पहले बताया, रेडियस वुड बी इक्वल टू आर इज ऑलवेज डी बाई टू, तो डी बाई टू से हम निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा रूट थ्री ए बाय फोर। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक के स्ट्रक्चर में जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास रूट थ्री ए बाय फोर। यह हम एज लेंथ निकाल सकते हैं, एज लेंथ वुड बी इक्वल टू फोर आर ओवर रूट थ्री, तो ये हमारी एज लेंथ आ जाएगी। परसेंटेज पैकिंग का सेम फॉर्मूला है कि इट इज कंट्रीब्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इंटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो उसके हिसाब से हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2 इंटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। अब हमने अभी देखा है कि ए इज इक्वल टू 4 आर बाय रूट 3, तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ए क्यूब वुड बी इक्वल टू 64 आर क्यूब ओवर 3 रूट 3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करें तो परसेंटेज पैकिंग जो हमारे पास आ जाएगी दैट वुड बी 68%। तो 68% पैकिंग आ जाएगी, और इसको देखेंगे ये पैकिंग किस तरह से दिखेगी। ये जो है ये बॉडी सेंटर का एटम है ग्रीन वाला, और ये व्हाइट वाले जो है कॉर्नर्स के एटम्स हैं, ये कॉर्नर्स में 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बॉडी में कंप्लीट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो अब इसमें आप देखें तो क्या हो जाएगा, जो पैक्ड एरिया है वो ज़्यादा है और वॉइड इसमें कम रह गया है। तो वॉइड इसमें कम है और पैक्ड एरिया ज़्यादा है, इसी के लिए इसकी जो परसेंटेज पैकिंग इंक्रीज कर गई, और जो वॉइड हो जाएगा ये इसका बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, तो वॉइड इज 32%। तो हमारे पास 32% वॉइड आ जाएगा और 68% जो हो जाएगा वो उसका पैक्ड वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने पहले देखा था कि फेस के सेंटर पे भी एटम होंगे तो उसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो यदि 3D एरे में देखें तो हमारे को FCC स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा, और जब उसको हम सिंपल यूनिट सेल बना करके देखें तो वो हमें इस तरह से दिखेगा। तो जब हम सिंपल यूनिट सेल देखें तो फेस FCC का इस तरह से हो जाएगा, और यदि अब हम 3D में देखें कि FCC स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, तो FCC स्ट्रक्चर हमें 3D में इस तरीके से दिखेगा कि कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है और ये जो फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं कि हाफ इस फेस के बाहर है, मतलब इस क्यूब के बाहर है, और हाफ इस जो है क्यूब में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो फेस सेंटर पे एटम होगा वो हमेशा
हाफ कंट्रीब्यूट करेगा, तो इस तरह से इसकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो अब हम देखें कि ड्यू टू कॉर्नर्स जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगी वो वन एटम हो जाएगी, हम पहले ही देख चुके हैं। अब ड्यू टू फेसेस जैसे मैंने बताया कि हाफ कंट्रीब्यूट करेगा, और टोटल फेसेस कितने हैं, सिक्स फेसेस हैं, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे जो फेस सेंटर की कंट्रीब्यूशन थ्री हो जाएगी, और टोटल एटम्स जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो फोर एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फोर एटम्स आर टोटल कंट्रीब्यूटिंग इन दिस यूनिट सेल। अब हम इसका डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम देखते हैं। तो अब हमने डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम में क्या देखना है कि इन दोनों जो हमारे पास ये जो फेस सेंटर और कॉर्नर्स के एटम है इसके बीच में देखना है कि जो डिस्टेंस है कितना आ रहा है। और यदि हम इस स्ट्रक्चर को 3D में देखें तो जैसा आप ये स्पेस फिलिंग में देख रहे हैं कि जो फेस सेंटर वाला एटम है ये इस एटम के ज़्यादा क्लोज है, और जो एज वाले दोनों एटम्स हैं वो उतने क्लोज नहीं हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ हम मैथमेटिकली फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो कॉर्नर वाला एटम और फेस सेंटर वाला एटम है वो ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू दो जो कॉर्नर्स के एटम हैं। तो यहाँ पे अब इसमें पाइथागोरस लगाए, ये ट्राइंगल हो गया, ए बी सी ट्राइंगल हो गया। तो ए बी सी ट्राइंगल में अभी हम देख चुके हैं कि ए सी जो हो जाएगा दैट वुड बी रूट टू ए, तो रूट टू ए आ जाएगा। और इसके साथ यदि हम डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम देखें तो इट वुड बी रूट टू ए बाई टू, क्योंकि दिस डी वुड बी हाफ ऑफ ए सी, तो ये आ जाएगा। और इसको रैशनलाइज कर ले तो दिस वुड बी ए बाई रूट टू, तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम जो हो जाएगा ए बाई रूट टू हो जाएगा इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कि जो नेबर हैं उनके बीच में डिस्टेंस ए बाई रूट टू हो जाएगा। और रेडियस यहाँ पे आ जाएगा आर वुड बी इक्वल टू ए बाई टू रूट टू हो जाएगा। और इसके बाद हम यदि ए की वैल्यू निकालें तो ए इज टू रूट टू आर, तो इस तरीके से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स एज लेंथ वुड बी, जब हम फेस सेंटर का स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो उसमें यदि हमने एज लेंथ निकाल ली है तो वो टू रूट टू आर के इक्वल हो जाएगी। अब हम इसकी परसेंटेज पैकिंग देखें तो परसेंटेज पैकिंग में क्या हो जाएगा कि सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास यहाँ 4 है, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब आ जाएगा। अभी हमने देखा कि ए इज इक्वल टू टू रूट टू आर, तो ए टू रूट टू आर है तो हम इसको कैलकुलेट करें, ए क्यूब कैलकुलेट करें, तो ए क्यूब वुड बी बेसिकली 16 रूट टू आर क्यूब। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 74% आ जाएगा। तो 74% इज पैकिंग एफिशिएंसी या परसेंटेज पैकिंग हो जाएगी। तो यदि परसेंटेज पैकिंग देखें कि 74% कैसे है, तो अब हम इसमें देखें कि इस तरीके से हो जाएगा, ये फेस सेंटर का जो एटम है दिस इज हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये कॉर्नर्स के एटम 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो टोटल एटम जो है अब वो ज़्यादा फिल्ड हो गया है क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेसेस इतनी ईजिली नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इसीलिए इसके परसेंटेज पैकिंग ज़्यादा हो जाएगी। और जब हम इसमें वॉइड देखेंगे सो वॉइड वुड बी इक्वल टू 26%, तो 26% का वॉइड हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे रिलेटेड विद फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया है कि जो हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ है, हमें वो प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, और वो बहुत जैसे पॉपकॉर्न्स पॉपअप करते हैं वैसे वो प्रॉपर्टीज़ इमीडिएटली पॉपअप करनी चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन में ये फ्रेज देखते हैं कि इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, और वो सारी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जैसे ही आप उसमें एटम्स की प्लेसमेंट कंडीशन के हिसाब से प्लेस करेंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्यूबिक सिस्टम्स की, और यदि आपको इस किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट कमेंट। और यदि आप अपनी केमिस्ट्री को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिस मटेरियल ढूंढ रहे हैं, तो PDF प्रैक्टिस मटेरियल, ऑनलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नोट्स और मॉक टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस करके अपनी केमिस्ट्री को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। और ये सब आपको myetutors.com पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आपने यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड राजीव शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।